सत श्रीकाल, मैं हूँ जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम आपको देने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सी एक मिठाई की रेसिपी। ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है, पहले शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू, और वो भी सिर्फ दो 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 सामग्रियों के साथ। वो सामग्रियाँ क्या हैं? डेसिकेटेड नारियल, कंडेंस्ड मिल्क। तो नारियल को करेंगे पहले ड्राई रोस्ट। पैन के नीचे गैस जला देनी है, आग लगा देनी है, और उसके अंदर नारियल बिल्कुल ठंडे पैन में डालना है। इसको लाइट से ब्राउन पे रोक देंगे हम इसकी रोस्टिंग। इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं रोस्ट करते हुए, और इसको निकाल लेंगे बाहर। पैन में नहीं छोड़ना वरना जल जाएगा। इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अभी बहुत इसने हीट रिटेन कर रखी है। ठंडा होने के बाद इसके अंदर डालेंगे कंडेंस मिल्क, उसके बाद मिक्स, फिर लड्डू बनाएंगे। टोस्टेड कोकोनट में कंडेंस मिल्क डाल देंगे हम, इसको देंगे एक मिक्स। तो मिक्स देने के बाद अब इसके बनाएंगे लड्डू। हाथ गंदे कर लेना, ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडेंस मिल्क और कोकोनट में ऑयल है। जरूरत पड़े तो हाथ पे पानी लगा सकते हैं। तो आपको प्लेन टोस्टेड कोकोनट लड्डू दे दिए हैं। अब इसके साथ एक और ट्विस्ट इसके अंदर डालते हैं, एक और फ्लेवर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी सिरप, अगर आपके पास है तब। एंड सेकेंडली, स्ट्रॉबेरी एंड टोस्टेड कोकोनट इज अ पेयर मेड इन हेवन, तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। स्ट्रॉबेरी सिरप इस मिक्सचर में मिक्स करने के बाद अब इसके लड्डू बटेंगे। मेरी पंजाबी ना हर जगह निकल आती है, लड्डू बटेंगे। तो ये लड्डू हमारे स्ट्रॉबेरी एंड टोस्टेड कोकोनट वाले लड्डू भी तैयार हैं। अब हम, मैंने प्लेट कर दिया, शको आ जाओ, मैं हाथ धो के आता हूँ। यू कीप अ वॉच ऑन इट, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब बना दिए, कितनी देर लगी? 5 मिनट उसको रोस्ट करने में, 5 मिनट लड्डू बनाने में, 2 मिनट मिक्स करने में। टोटल 12 मिनट में आपके लड्डू तैयार। और रेसिपी तो देखो बनने में तो छोटी बनेगी ना, बट 12 मिनट मैक्सिमम। कभी गेस्ट आए हैं 2 इंग्रेडिएंट के लड्डू बना के उनके सामने पेशे खिदमत, और दे वुड लव इट। अब आपने क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बनाओ तो फोटो फेसबुक पेज पे, और फिर थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।